अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। ये मैं कपड़े धुलवाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे इकट्ठे हुए हुए थे वॉशिंग के लिए, क्योंकि दो तीन दिन से मुस्तकिल ही, आपको भी पता होगा शायद, लाहौर में और पंजाब में बहुत बारिशें हो रही हैं। अचानक से बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो ये बस जब भी मैं मशीन लगवाने का सोचती थी अपनी मेड से, तो उसी वक्त ही जैसे कपड़े इकट्ठे करती थी तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो करते करते ये इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तकरीबन समझ लें कि ये मेरे हस्बैंड के ही 10-12 सूट होंगे। तो ये अब इसको कल्फ वगैरह लगवाई थी मैंने, तो इनको मैंने भेजना था अब धोबी की तरफ। तो ये मैं तय कर रही थी सारे और इनको पैक किया, देखें इस तरह अब माशाल्लाह दो बन गई हैं इसकी गठड़ियाँ। तो ये भिजवा रही हूँ धोबी की तरफ। और उसके बाद जी, ये मेरा थोड़े दिन पहले एक रिसीव हुआ था, आपके साथ मैंने शेयर करना था। लास्ट व्लॉग में भी मैंने ट्राई किया बट मैं भूल ही गई इसको शेयर करना। तो ये मैंने एक ऑयल मंगवाया था जी। आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है क्योंकि मौसम भी है ना मानसून का, तो बाल बहुत गिरते हैं। तो वैसे तो ऑयलिंग इस सीज़न में नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑयल, मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। तो ये मुझे मिला है नायाब ऑर्गेनिक्स की तरफ से। तो मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा आगे से मतलब माथे के करीब से हल्के होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये मैंने ट्राई किया, लास्ट वीक भी मैंने इसको मसाज किया था सर में तकरीबन 2 दफ़ा वीक में, और अब फिर ये सेकेंड वीक में कर रही हूँ। इतना तो हुआ है इससे कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा थिक हो गए हैं, लेकिन अभी मज़ीद इसके इस्तेमाल के बाद आपको मज़ीद इसके रिव्यूज़ के बारे में रिव्यूज़ दूंगी, इसके बारे में बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा काम निपटाने के बाद जी दोपहर के टाइम में आई हूँ। आज बना रही हूँ जी मसूर की दाल। तो उसके लिए मैंने एक छोटा प्याज लेकर उसको बारीक बारीक काट लिया था। उसको मैंने तकरीबन 5-6 टेबलस्पून में अच्छा सा गोल्डन कलर का होकर जब हो गया था उसका कलर, तो इसमें मैंने डाल दिए थे 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, उनके छिलके रिमूव कर दिए थे मैंने ऊपर से। तो इसको अच्छा सा भून लिया था, ज़रा टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। तो मसाले इसके नोट कर लें, मसाले इसमें डाले थे मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और सूखा धनिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था। तो सारे मसाले को खूब अच्छा से भून लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये टमाटर वगैरह अच्छे से टेंडर होके मिक्स हो जाए, तो खूब थिक नरम सा मसाला बन जाए इसका, क्योंकि दाल में नज़र ना आए फिर। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसको मैश कर लिया था मैंने और भून लिया है, और इसमें डाल दिए तकरीबन 1.5 कप के करीब दाल थी मेरे पास। तो ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया, और इसमें तकरीबन अगर आपके पास 1.5 कप दाल हो तो आपने डबल से भी ज़्यादा पानी डालना है, क्योंकि इस दाल ने खूब अच्छा सा फूलना भी है और पिघलना भी है। तो तकरीबन मैंने 3-3.5 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था, इसको मीडियम लो हीट पर काफ़ी देर के लिए पकाया था, तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। तो ये अच्छी से जब मिक्स हो गई थी, इस तरह देखे थोड़ी थिक सी हो गई थी, मिक्स होकर गल गई थी अच्छी सी। तो अब इसका मैंने एक बड़ा अच्छा सा भिघार बनाया था। तो मेरे पास एक छोटा सा फ्राइंग पैन है जो मैंने भिघार के लिए ही स्पेशली रखा हुआ है। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाला था, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मक्खन डाल दिया था, और ये 2 जवे सिर्फ लहसुन के लेकर उनको बारीक बारीक काट के वो ऐड कर दिया था। तो मक्खन को कभी भी अकेला ना इस्तेमाल करें, उसके साथ ऑयल ऐड करें, वरना वो सारा जल जाता है, तो उसका फिर टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। तो इसमें डाल दी थी 2-3 हरी मिर्चें और 2-3 लाल हुई मिर्चें, खुश्क मिर्चें भी बड़ी अच्छी लगती है इसमें, ड्राई जो चिल्लीज होती हैं रेड। और इसको अच्छा से मैंने देखें इस तरह से भून लिया था, और कलर इसका चेंज हो गया था लहसुन का, तो इसको ऐड कर दिया था। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार सी दाल बनी थी, बहुत ही गर्मियों में अच्छी लगती है इस तरह की दाल। तो साथ मैंने ज़बरदस्त से इसके साथ बनाए थे फुलके, यानी कि गर्म गर्म चपातियाँ, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना ये इस तरह कश्मीरी रेड चिली को लेकर ना थोड़े से ऑयल में इस तरह भिघार लगाया था, इससे ना कलर दाल का बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने इंस्टा के लिए एक पिक्चर बनानी थी, उसकी रील के लिए, तो मैंने छोटा सा एक बनाया था, देखें इस तरह इस थाली सेट की थी, और मेरे पास शाम के पड़े हुए ना तड़के वाले चावल भी थे, वो भी साथ ऐड किए थे मैंने पिक्चर के लिए। और इसके बाद जी खाने से फारिग होके हम आए हैं जी अब ग्रॉसरी लेने, थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग पर, ग्रॉसरी नहीं आप ये समझ लें कि बस बच्चों दोनों बेटियों को ना थोड़ा स्नैक्स चाहिए थे और कुछ नूडल्स वगैरह और पास्ता, तो वो लेके हम आ रहे हैं। और बारिशें बहुत ज़ोरों शोर से अभी भी लाहौर में जा रही हैं जी। और वापस आके ये मैंने रखे थे पाए, बस जैसे मैं बनाती हूँ अक्सर, मेरी रेसिपीज़ आप देखते रहते हैं। तो ये हैं जी मटन के पाए, तो इनके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 3-4 कप, तो लो हीट पर बिल्कुल उनको पकाया था जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाते। अब शोरबे के लिए ना इनको भूनने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था 1/2 कप के करीब, उसको भून कर तो मैंने शोरबे के लिए पानी डाल दिया था मीडियम लो हीट पर ना 1.5-2 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाए थे। तो कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ गया, उसके कहते तरी आ गई है, खूबसूरत सा कलर आ गया, बहुत मज़े के पाए बने थे। और ये कल फिर लाहौर में खूब बारिश हुई है, अचानक ही धूप में ही बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, और आज रात को भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तो इसी बारिशों की वजह से हमने अभी रेनोवेशन का काम भी स्टॉप करवाया हुआ है,
तो फिर करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में, जब तक ये बारिशें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो बस जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।